जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें, आपको, सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2, चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे पता है। तो कितना अच्छे से पढ़े हैं ये एक्सरसाइज से हमें पता चलता है कि आपके चैप्टर पढ़ते समय कहीं किसी कॉर्नर में डाउट रह जाता है, तो ये एक्सरसाइज जब आप करते होंगे तो क्लियर हो जाता है। तो एक्सरसाइज में हम कौन से एक्सरसाइज करने वाले हैं? जी हाँ, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन आपके एकेडमिक लेवल के लिए, यानी बोर्ड लेवल के लिए है, बीएससी एंट्रेंस लेवल के लिए है, नीट लेवल के लिए है, एडवांस लेवल के लिए, यानी ऑल इन वन सभी एंट्रेंस के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद टिक करते हैं। टिक करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए। पहला ऑप्शन मोल फ्रैक्शन, सेकेंड पार्ट्स पर मिलियन, थर्ड मास परसेंटेज, चौथा मोलैलिटी। तो इसमें कह रहा है कि कंसंट्रेशन का कौन सा कंसंट्रेशन टर्म वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड रहता है। तो आपको याद आ रहा होगा कि जो राउल्ट का सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल एक फार्मूला, वो तो क्या होता है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। पी नॉट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, यानी एक तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेशन किसके साथ हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन के साथ। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन टिक करते हैं। ऑप्शन में क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। यदि आप क्वेश्चन जल्दी से नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन को दो बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। आपको जो आता है उससे नहीं मतलब, आपके ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करते हो करने होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। देखिए कह रहा है कि जब हम शुगर को घोलते हैं पानी में तो वो ठंडा महसूस होता है, तो कौन सा कंडीशन उसके शुगर को पानी में घुलने के लिए अधिक फेवरेबल होगा? तो पहला ऑप्शन क्या है? शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर। जी नहीं, क्योंकि कोल्ड वाटर में जल्दी नहीं घुलेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है उसके अनुसार हमें लिखना है। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर। जी नहीं, पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर ये घुलेगा जल्दी, लेकिन अभी नीचे वाला ऑप्शन क्या कर रहा है? हॉट वाटर। तो वो चौथा क्या हो जाएगा? ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, खाली स्पेस दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? उस ऑप्शन को टिक करके यहाँ पर क्या आना चाहिए वो टिक करना है आपको। तो ऑप्शन क्या है? लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जीरो। तो पहले आपको पता है इक्विलिब्रियम, 11th में पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है? इक्वल होता है। अब डिजोल्यूशन का रेट किसके बराबर हो जाए? क्रिस्टलाइजेशन के। तो वह कंडीशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो वो कब होगा? जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ डिजोल्यूशन के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड। देखिए क्या है? इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है, ए बीकर कंटेन्स ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज, आप यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है, इसमें स्पेस में भरना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सेचुरेटेड। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सुपर सेचुरेटेड। थर्ड ऑप्शन अनसेचुरेटेड। फोर्थ ऑप्शन कंसनट्रेटेड। देखिए कंसनट्रेटेड तो ऑलरेडी सब है, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड।
अनसेचुरेटेड तो होगा नहीं, सुपर कंसेंट्रेटेशन होगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन ऊपर पहले दिए हैं, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड मतलब जब कोई और सल्यूट उसमें ना घोला जा सके उस सोल्यूशन में, और सुपर सेचुरेटेड मतलब अब कितना भी आप कंडीशन बढ़ा दीजिए टेम्परेचर से, टेम्परेचर देकर भी तब भी नहीं घुलेगा। तो जब आप सोल्यूशन में सल्यूट और डालेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, तो प्रेसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा, तो कंडीशन क्या होगा, सुपर सेचुरेटेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड, देखिए कह रहा है डज नॉट डिपेंड, तो डिपेंड नहीं करता कौन सा कंडीशन है। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है, प्रेशर, देखिए सॉल्यूट यदि सॉलिड है तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। चौथा ऑप्शन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड, प्रेशर। चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, अब आप जानते हैं कि पहाड़ों पर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होने से जो ऑक्सीजन गैस होता है वहाँ का, वह उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यू में उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, ये किसके नियम पर आधारित था एप्लीकेशन, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये हेनरी नियम पर बेस्ड है या लाउड्स लॉ पर, कि इसको इससे होने वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाई एटीट्यूड पर ऑक्सीजन का मिलना कम हो जाता है तो इससे कंडीशन डेवलप हो जाता है बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेडिक्ट Which of the following mixtures will show a positive deviation from Raoult's law? कह रहा है कि हमें मानते हुए चलना है कि formation, breaking and strength of hydrogen bond. Predict which of the following mixture will show positive deviation. तो यदि आपको ideal solution और non-ideal solution की example पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। पहला option क्या है, methanol in and acetone, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनॉल एंड एनिलीन। तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्या होता है, ये निगेटिव शो करता है, नाइट्रिक एसिड निगेटिव शो करता है, फिनॉल एंड एनिलीन ये भी क्या करेगा, निगेटिव शो करेगा, क्या करेगा, निगेटिव शो करेगा। तो कौन शो करेगा पॉजिटिव, मेथनॉल एंड एसीटोन, ये क्या करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, ऑप्शन देखिए, द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। तो पहली बात, दूसरा पहले ऑप्शन सब देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर कंसेप्ट दे रहा हूँ। द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ पार्टिकल। तो आपको पता है, क्या पता है, कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो केवल नंबर पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर, नेचर पर नहीं। तो आपको पता हो गया कि नंबर किस में, ऑप्शन में है। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, उसके नेचर वाला तीनों है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन कई बार बी एस सी एंट्रेंस में रिपीट किया है, उसको ध्यान से देखिए। Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? ऑप्शन क्या क्या है, 1 molar NaOH, 1 molar सोडियम सल्फेट, 1 molar अमोनियम नाइट्रेट, 1 molar पोटेशियम नाइट्रेट। मोलरिटी क्या है, सबका इक्वल है, तो मोलरिटी इक्वल है और सबस्टेंस बदला है। हमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर डिपेंडेंट है। तो सबसे अधिक नंबर किसका अधिक होगा जिसमें उस कंपाउंड में ज़्यादा आयन होंगे? तो किसमें आयन ज़्यादा होंगे देख लेते हैं। देखिए NaOH में जो आयन होंगे, NaOH में आयन कितने होंगे? दो होंगे, एक Na एक OH आयन। सोडियम सल्फेट में कितने होंगे? सोडियम सल्फेट में होंगे आपके दो सोडियम एक सल्फेट, तीन होंगे। और अमोनियम नाइट्रेट में कितने होंगे आपके? दो होंगे, एक नाइट्रेट एक अमोनियम। पोटेशियम नाइट्रेट में दो होंगे। तो किस में नंबर सबसे अधिक है? इस वाले में, थर्ड, थ्री, सेकेंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि नंबर डिपेंड, जिसमें नंबर ज़्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक, यानी बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट हो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, इनका क्या होता है ज़्यादा इफेक्ट वो सॉल्यूट करेंगे जिसका ज़्यादा नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन में क्या है, दसवां क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, ऑप्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, केल्विन केजी मोल इनवर्स आर केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। सेकंड है आपका मोल केजी केल्विन इनवर्स आर केल्विन इनवर्स मोलैलिटी। आपका थर्ड क्या है, केजी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आर केल्विन इनवर्स मोलैलिटी इनवर्स। फोर्थ है केल्विन मोल केजी इनवर्स आर केल्विन मोलैलिटी। तो मैं आपको पहले फार्मूला बता दूं तो आपको अपने आप खुद पता चल जाएगा, यदि फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। कैसे, देखिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या, के इंटू मोलैलिटी, क्या होता है मोलैलिटी, यानी के बी यहाँ पर है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यदि आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट निकालना है के बी, तो क्या करेंगे डेल्टा टी बी अपान एम। ठीक है, अब डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होता है, डेल्टा टी बी का केल्विन। ठीक है, और मोलैलिटी का मोलैलिटी ही मान लीजिए या रखिए इनवर्स या मोलैलिटी रख लीजिए। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। ठीक है, अब मोलैलिटी को आप इसको खोलना चाहेंगे तो केल्विन मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी होता है, तो मोल इनवर्स और केजी, मोल इनवर्स केजी, यानी केल्विन केजी मोल इनवर्स या केल्विन मोल मोलैलिटी इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा है ये देख लीजिए, तो ऑप्शन पहले में क्या है केजी केल्विन केजी मोल इनवर्स या केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, ग्यारहवां क्वेश्चन में क्या है, इन कंपेरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोलर MgCl2 सोल्यूशन। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन है आपका क्या है 0. ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है, और दूसरा है क्या आपका MgCl2। तो ये आयनिक कंपाउंड, ये ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें आयन्स कितने होंगे भाई, तीन, इसमें कितने होंगे, वन, तो मोलरिटी क्या है सेम है, तो जिसमें आयन ज़्यादा होंगे उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, समझ गए, क्योंकि ये क्या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब इसका कितना होगा, कितना गुना होगा, थ्री टाइम्स, क्योंकि ये ग्लूकोज एक रहेगा तो ये कितना है तीन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अबाउट थ्री टाइम्स, MgCl2 का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होगा थ्री टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड, क्लियर है। चलिए बारहवां क्वेश्चन, बारहवां क्वेश्चन में क्या है, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल सिवेल्स बिकॉज, यानी जब हम कच्चे आम का अचार बनाते हैं तो उसको नमक के गाढ़े घोल में हम रख देंगे तो उसमें से पानी क्या होता है बाहर निकल जाता है। अब उसका कारण पूछ रहा है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, इट
इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, गेन तो करता नहीं है, बाहर होता है, ये नहीं होगा। इट लूज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, जी नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस तो यहाँ है नहीं। इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं। इट लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, जी हाँ, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पिकल्स में, पिकल यानी आम को हम जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखेंगे तो पानी बाहर आएगा सोल्यूशन में, ठीक है, तब वो सिकुड़ जाता है, यानी तब ये क्या बोलता है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ये लूज वाटर करके सिकुड़ जाता है, तो ऑप्शन आप समझ गए हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वें क्वेश्चन में कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, फिर से समझ लीजिए, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, ऑप्शन क्या है, इज हायर देन दैट ए डाइल्यूट सोल्यूशन, इज लोअर देन दैट ए डाइल्यूट सोल्यूशन, इज सेम एज द डाइल्यूट सोल्यूशन, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, दो सोल्यूशन यदि है, एक का कंसनट्रेशन क्या है, एक का कंसनट्रेशन कम है और एक का अधिक है, तो जिसका कंसनट्रेशन कम है या एक दूसरा है, मान लीजिए इसका क्या है, अधिक है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पाइप ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, वो किसके बराबर होता है, सी आर टी के, सी क्या है, कंसनट्रेशन, जिसका कंसनट्रेशन अधिक उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक, तो आपको समझ में आ गया कि कंसनट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए, इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, कह रहा है कि हाई कंसनट्रेशन वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वें क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से आपको करने होते हैं, क्योंकि फॉल्स पूछ रहा है और आपको याद रहता है सही वाला, तो आप गड़बड़ कर देते हैं, मैं भी गड़बड़ किया हूँ और करता रहता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये गड़बड़ी जो होती है वो नहीं होती, ना क्वेश्चन आए चलेगा, लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए वो बहुत दुख देता है, तो आप इससे बचें और प्रैक्टिस को ध्यान से करें ताकि आपको ये गलती ना हो, यही समय प्रैक्टिस में गलती हो जाए चलेगा, लेकिन मेन एग्जाम में गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, टू, पहला ऑप्शन, टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कह रहा है डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल द सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, हो सकता है। सेकंड कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई बराबर सी आर टी वेयर सी इज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ये सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एस्टिक एसिड एंड सुक्रोज इज, तो बेरियम क्लोराइड के नंबर आप तीन होंगे, कैसेल का दो होगा, एसिटिक इसका पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, इसका कम होगा, सुक्रोज का सबसे कम होगा, तो ये सही ऑर्डर है। चौथा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये भी सच है, तो कौन गलत है, यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ द सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्या होता है, सॉल्वेंट के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये क्या है, सच नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर के सी एल एन सी एल एंड के टू एस ओ फोर यानी पोटेशियम सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर, तो देखिए आपको वन टॉप फैक्टर में आई आप पढ़े होंगे, आई क्या होता है, जो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास का रेशियो आई वन टॉप फैक्टर कहलाता है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दो तीन कंपाउंड के वन टॉप फैक्टर आई पूछ रहा है, तो आपको पता है कि यदि हम इसको मान लें कि टोटली डिसोसिएट हो रहा है, जब टोटली डिसोसिएट होगा तो जो के सी एल है वो कितना देगा,
नंबर ऑफ आयन 2 देगा, और NaCl कितना देगा 2 देगा, पोटेशियम सल्फेट कितना देगा 3 देगा, 2 पोटेशियम एक एक सल्फेट आयन। तो इस क्रम में क्या होगा आप देख लीजिए कौन है, तो 2 2 3 ऑप्शन नंबर में पहला है, 2 2 2 नहीं, दूसरा ऑप्शन में 2 2 3, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए 15वां क्वेश्चन के बाद 16वां क्वेश्चन में क्या रहा है ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फिर से पूछ रहा है कि इसमें कौन गलत है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, सही है। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, जी नहीं, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो उसमें क्या करते हैं हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर प्रेशर लगाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये वाला क्या हो रहा है, कह रहा है कि लोअर कंसेंट्रेशन से क्या हो रहा है हायर कंसेंट्रेशन की, ये तो ऑस्मोसिस में होता है, तो यही गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए। चौथा तीसरा ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, जो कि क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट के एच, स्पेस दिया है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा जो भरा जाएगा। पहला है इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन पूरा देख लेते हैं फिर हम टिक करेंगे। इन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो आपको याद होगा कि जो के एच कॉन्स्टेंट है यानी हेनरी कॉन्स्टेंट, वो टेम्परेचर क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, और हेनरी कॉन्स्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी घटेगी, ठीक है। गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से घटती है, तो केएच का मान टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी घटेगी। तो आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट किसके साथ साथ बढ़ता है या किसके रिलेशन किसके साथ अच्छा रिलेशन करता है, टेम्परेचर के साथ, रिमेन कॉन्स्टेंट, या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जी नहीं। अभी मैंने बताया कि के एच का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगी, तो ऑप्शन कौन सा है ध्यान से देखिए। ग्रेटर, देखिए के एच का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा तो विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, कि ग्रेटर द के एच वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बहुत सरल है, जो बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत सरल होता है, आंसर उसके बहुत सरल होते हैं, लेकिन खाली बड़ा दिखाने के लिए होता है क्वेश्चन। कंसीडर फिगर 2.1 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन, पहले इसको डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या दिया गया है, फ्रेश वाटर इधर है, कंसेंट्रेशन सोडियम सोल्यूशन इधर है, अब क्या करा है उसके अनुसार आप समझिएगा कि उसमें क्या सही है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ ए प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पोजिशन बी, इधर सेकेंड कह रहा है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पोजिशन बी। थर्ड है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू पोजिशन बी। वाटर विल मूव फास्टर, सॉरी, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पोजिशन पिस्टन ए। तो देखिए दो सॉल्यूशन, एक फ्रेश वाटर इधर क्या है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उस दोनों में चार ऑप्शन दिया गया, उसके अनुसार से पहला ऑप्शन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, वाटर विल मूव फ्रॉम
साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोसिक प्रेशर इज अप्लाइड टू, ये नहीं सही है। सेकंड क्या है, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर प्रेशर अधिक लगा देते हैं, किससे अधिक, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर से लोअर रीजन की ओर मूव करने लगता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या है, वी हैव थ्री इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेबल्ड ए बी एंड सी विथ कंसंट्रेशन 0.1, 0.01, 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वन ड्रॉप फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। तो आपको मैं बता दूं कि वन ड्रॉप फैक्टर जो आई होता है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले ये बात याद रखिए, फिर से समझिए कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए आई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम जितना रहेगा उसका डिसोसिएशन अधिक होगा, उसके नंबर ऑफ आयन अधिक होंगे, इसलिए ये कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन में देखिए, पहला है जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसके में आई का वैल्यू अधिक होगा, तो ए का 0.1 है, बी का 0.01 है, तीसरे का है 0.001 है। तो इसमें कौन सबसे अधिक होगा, देखिए ए बी सी ऑप्शन में पहले देखिए क्रम से दिया है, इसमें देखिए ए को अधिक दिया है, इसमें बराबर दिया है, इसमें ए बी को बड़ा किया है लेकिन सी से बी बड़ा किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला, क्योंकि कंसंट्रेशन सी का सबसे कम है, उसका डिसोसिएशन अधिक होगा और उसका वन ड्रॉप फैक्टर सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों आप कितना सही किए हैं, आपको कितने आ रहा था, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।